हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज आपको मैं अपने रूम का टूर कराने वाला हूँ। मैं दिखाने वाला हूँ कि जिम के साथ साथ और क्या करता हूँ। जैसा कि आप लोग भी पढ़ाई करते हैं, तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ, जिम करता हूँ, बॉडी को फिट रखता हूँ, माइंड की ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको अपने चैनल में साथ साथ सिखाता रहता हूँ। तो पर्पस क्या है मेरा आज एकदम से ये वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग कहते हो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मैं अकेला मेरे टाइम को कैसे यूज़ करता हूँ, फिर उसमें से काट काट के टाइम अपनी हेल्थ के लिए, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैसे निकालता हूँ, आप देखिए। एक बार स्टार्ट होता है मेरा रूम पूरा प्रॉपर, यहाँ मेरा सोना होता है, ये पूरा लगा रखा है। मैं आराम से इधर जो भी आदत मुझे बदलनी होती है या छुड़ानी होती है या जो भी मेरी पावरफुल वर्ड होते हैं, मैं यहाँ लिख के उसको लगा देता हूँ। ये प्रॉपर सेटअप टेबल का मेरा हो गया। ये बुक्स देख सकते हैं, इधर वाली बुक्स से तो बहुत लोग परिचित होंगे, इतिहास, भूगोल, जो भी है, पॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था, सारी चीज़ें इस लाइन में मैंने लगा रखी हैं। और इधर आप देख सकते हैं, इसमें से आप बताना कौन कौन सी बुक आपने पढ़ रखी है और कौन कौन सी आपके पास है। इधर वाली बुक सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान ही नहीं, बल्कि आपको कैरियर में इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाते हैं कि आप मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, किसी भी परेशानी से कैसे हंस के बाहर आना है, ये वाली लाइन वाली बुक से कहती हैं। और कैसे आपको जीवन में एग्ज़ाम को क्रैक करना है, वो ये वाली बुक से कहती हैं। अभी मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, तो सोनू शर्मा सर को तो हर कोई जानते होंगे, मैं बहुत इंस्पायर हूँ इनसे। ऐसे तो दो तीन ऐसे मेरे इंस्पिरेशन जो हैं, सोनू शर्मा सर हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, संदीप महेश्वरी सर हैं, हर्षवर्धन जैन हैं, ये चार लोगों को तो मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, इनकी बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। तो ये अपना पूरा रूम हो गया प्रॉपर, यहाँ पढ़ाई करनी है, यहाँ सोना है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाहर का मैं आपको मेरा दिखा दूँ, वॉशरूम वगैरह ये सारा इस साइड हो जाता है। ये मेरा किचन है, जहाँ से मैं खुद ही अपना खाना पीना सारा कुछ तैयार करता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा रूम है, और यहीं से मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखा है, जो ये टेबल मेरे लिए है और ये बुक्स हैं, इनने मैंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ ग्रोथ किया है, और आगे भी मैं अचीव करने में निरंतर मेहनत कर रहा हूँ। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये बुक आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़िए तो इनको पढ़ के देखना, आपका जीवन बदल देंगी। और इनको पढ़ेंगे तो फिर आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। इसमें से कौन सी बुक पढ़ी है एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में बताना। और ये थोड़ा मैंने ऐसे गया था, तो आर्टिफिशियल ये जो होते हैं ना गमले वगैरह, ये मैंने ला रखे हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। इधर गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, प्राचीन काल से आज तक इनकी जो भी बातें थी वो हमारी ज़िंदगी पे लागू होती हैं, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये मेरा मेडल है, जो फर्स्ट मैंने बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन खेला था, स्टार जिम वाला। नली मैं बैठ जाता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा मैं 2 मिनट शांति में बैठ के। देखिए, ये सारी चीज़ें दिखाने का मेरा कोई वो मोटिव नहीं है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें मैंने दिखाई हैं। मैं खाना भी अपना स्वयं से बनाता हूँ, कपड़े धुलना, बाकी सारी चीज़ें मेंटेन करना, घर से बाहर रहना, फैमिली मेरे साथ में मेरी नहीं रहती है, फिर भी मैं टाइम निकाल के खुद की हेल्थ की तरफ और वहाँ की चीज़ों से दुनिया की बच के अपने भविष्य निर्माण के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं टाइम निकालता हूँ। तो उम्मीद आपसे ये रखता हूँ कि दोस्त, इतना समय नहीं है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए अलग से टाइम मिल पाए, या फिर कभी हम सोचते हैं कि ये 2 दिन बाद कर लेंगे, 4 दिन बाद कर लेंगे। तो अभी जो टाइम है हमारे पास, जितना हम कर सकते हैं उतना आज में करने की कोशिश करें। टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, और आप यही देखते रह जाते हो कि कल करेंगे। होता है ना, तो जीवन में हर दिन अपने टाइम को अच्छे से यूज करें, पढ़ाई 6 से 8 घंटे डेली करें, 1 घंटा 1.5 घंटा योग व्यायाम वर्कआउट रनिंग के लिए जैसे भी निकालें, फिजिकल फिटनेस के लिए निकालें। दूसरी चीज, डाइट का अच्छे से ध्यान रखें, और जो आपकी लाइफ में ज़रूरी है सिर्फ
उसकी तरफ ही फोकस करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आज आपने अपने करियर की तरफ ध्यान दे लिया ना, तो आने वाले टाइम में दुनिया आपकी तरफ ध्यान देगी। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगती है। और एक चीज़ और बताना आपको, अगर डेली ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मैं लेके आऊँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बाहर की नहीं बनाता हूँ, फिटनेस और वही जिम को आपको ज़्यादा कंटेंट दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके बताना, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और एक चीज़ आपको और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्त, बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार ये नहीं हुआ तो जीवन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसा डाउट रहता है मन में। तो दोस्त, अभी आप जो कर रहे हो उसमें अपना 100% दे दो, करते जाओ पूरे मन से पूरी श्रद्धा से। आगे जाके आपको बहुत से आगे रास्ते ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तो अभी आप उस चीज़ को सोच के अपने मन में मतलब डर और निराशा का भय ना करें कि अभी जो मैं कर रहा हूँ क्या पता मुझे रिजल्ट मिले नहीं मिले। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं, और जो भी आपके सपने हैं, जहाँ तक आप पहुँचना चाह रहे हैं, बस पूरे सच्चे दिल से मेहनत करते जाइए। आप ज़रूर लाइफ में ग्रोथ करेंगे और अपने हर सपने को पूरा करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, और कोशिश रहेगी अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो डेली का ब्लॉग मैं शूट करूंगा और पर डे का रूटीन दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, देखो एक चीज़ है इस ब्लॉग में, मैं बहुत सी चीज़ें आज ये क्लियर करने वाला था। लोग कहते हैं इंटरटेन वीडियो बनाओ, मौज मस्ती वाली बनाओ। दोस्त, मैं नहीं चाहता कि आप अगर मेरी 5 मिनट की या 10 मिनट की भी वीडियो देख रहे हैं, आप कुछ अपनी लाइफ के लिए सीखे जाएं या कुछ आपको ऐसा दिखाऊं कि जिससे आपको मोटिवेशन मिल सके। मौज मस्ती दिखाने से मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि आपका 10 मिनट अगर मैं मेरे चैनल पर आ रहे हैं और देख के जा रहे हैं और आपका टाइम ख़राब हो रहा है, तो वो चीज़ मैं नहीं समझता हूँ। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बेहतर बेहतर दे पाऊँ ताकि कुछ आपको सीख मिले मेरी वीडियो से, ना कि आपका टाइम बन, क्योंकि टाइम इज मनी। तो दोस्तों, पहली बार है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। जीवन है, चलता रहेगा।